नमस्कार मित्रों, कैसे हो? सो होपफुली आप लोग एकदम मस्त होंगे। स्वागत है आप लोगों का सिनेमा वाला पर। तो गाइज, हम एक बहुत ही आज गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपको पसंद भी आए या ना भी आए। पिछले कुछ दिनों से गाइज मैं देख रहा हूँ हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शाहरुख वर्सेज सनी देओल अथवा जवान वर्सेज गदर 2 हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसमें कुछ लोग गदर 2 पर बड़ी ही डिस्पिकेबल टिप्पणियाँ कर रहे हैं एवं कुछ लोग जवान पर। ये देखकर मैं गाइज बड़ा ही डिसअपॉइंटेड हुआ। आई सीरियसली गाइज, मैं बड़ा ही डिसअपॉइंटेड हुआ। सबसे पहले तो गाइज आप लोग ये देखो, और हिंदू मुस्लिम में प्रेम की जगह नफरत पैदा करे, गदर जैसी फिल्में नफरत पैदा करती हैं। देख लिया इस क्लिप में, ये बंदा साफ साफ कह रहा है कि गदर 2 जैसी फिल्में हिंदू मुसलमानों में नफरत पैदा करती है। तो चप्पल चोर, तू मुझे ये बता कि गदर 2 में ऐसा कौन सा सीन अथवा डायलॉग था जिसे मुसलमानों का अपमान हुआ, जबकि गदर 2 की स्टोरी फुली भारत पाकिस्तान पर आधारित थी। नफरत फिल्में नहीं, तुम जैसे चप्पल चोर लोग फैलाते। गदर फिल्म ने देशभक्ति का ऐसा मसाला परोसा है कि खाने वालों के रोंगटे खड़े हो जाए। दूसरी ओर कुछ लोग जवान के बारे में भी बहुत ही गलत गलत कमेंट कर रहे हैं। मूल कारण है शाहरुख खान का ये वाला डायलॉग, जिसमें शाहरुख खान कहते हैं कि जो आपसे वोट मांगने आए, आपसे सवाल पूछो, उसे पूछो कि अगले 5 साल तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे। डायलॉग बहुत ही ज़्यादा मस्त था और डायलॉग आज की परिस्थितियों पर फिट भी बैठता है। डायलॉग से ऑडियंस के अंदर जागरूकता पैदा होती है, क्योंकि अक्सर हम मतदान हमारे व्यक्तिगत लालच को देखकर कर देते हैं। जैसे कि चुनाव के समय दारू साड़ी बांटना वगैरह वगैरह, ऐसे नेताओं को हम समर्थन कर देते हैं या जातिगत आधार पर समर्थन कर देते हैं, बल्कि हमें समर्थन विकास के आधार पर करना चाहिए। ऐसी जागरूकता जवान मूवी का यह डायलॉग हमको देता है। फिल्में दोनों ही मास्टरपीस है, चाहे वो गदर हो या जवान हो। जवान जागरूकता का संचार करती है, वहीं गदर 2 देशभक्ति का संदेश देती है। फिल्मों को कुछ तथाकथित लोग रिलीजन कॉन्वर्जेशन के आधार पर बांटते हैं, यानी कि धर्म के नाम पर। परिणाम यही होता है कि जो हिंदू ऑडियंस होती है वो जवान को गाली देती है, वहीं जो मुस्लिम ऑडियंस होती है वो कमेंट में गदर को डिसरिस्पेक्ट करती है। क्या हो गया यार हमारी ऑडियंस को? व्हाट इज दिस? आई सीरियसली, व्हाट इज दिस यार? गदर, पठान और जवान ने बॉलीवुड की खोई हुई रौनक को, खोए हुए सम्मान को वापस लौटाया है। वरना 2022 में पृथ्वीराज चौहान, बच्चन, पांडे, लाल सिंह चड्ढा किस किस तरीके से हमारी बॉलीवुड की फिल्में पिट रही थी। उस दौर, कितने कठिन दौर से हमारा बॉलीवुड गुजरा है। अबे शर्म कर लो दोगलों, क्यों फिल्मों को रिलीजन कॉन्वर्जेशन के आधार पर बांट रहे हो? फिल्में भारत की है, फिल्में भारत में बनी है, फिल्में भारतीयता का संदेश देती है। इंडियन बनना सीखो, भारतीय बनना सीखो, बाकी आपकी इच्छा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब सिनेमा वाला।